नेक्स्ट है आज का म्यूजिक कंपटीशन यानी कि हमारा सिंगिंग कंपटीशन, गाना सुनाने सबसे पहले आएंगे टिकटॉकर्स। कौन आएगा टिकटॉकर्स की तरफ से? कश्यप और हमाद। दूसरे नंबर पे इंस्टाग्रामर्स है, कौन आएगा? बासित और माहीन। तीसरे नंबर पे चैंपियंस है, कौन आएगा? उमेर और हाँ अबिया। और यहाँ से शाहताज और बबन आएंगे हमारे। चलो भाई आओ जल्दी से, कश्यप और हमाद ने गाना सुनाना है, पूरे 3 पॉइंट्स, जो टीम विन की उसके 3 पॉइंट्स। याद रखो ये वाला आवर सबसे ज्यादा पॉइंट्स का होता है, इसमें एक्टिंग बाकी है, इसमें सिंगिंग बाकी है, इसमें गेम्स बाकी है। चलो कौन सा गाना गाइस? कश्यप गाना कौन सा है? एक बात कहो दिलदारा, रेडी गो। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने मुझको मारा, तेरे इश्क ने मुझको मारा। कौन है, कौन सा गाना है गाइस? बासित गाना कौन सा है? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। रेडी गो इंस्टाग्रामर्स। चैंपियंस गाना कौन सा है? माइक दीजिएगा, माइक घर ले जाने की नहीं हो रही है। याद आएंगे कभी जो तुम, कभी तो तुमको याद आएंगे। रेडी, एक मिनट रुक जाएं जी, हम रुक गए। रेडी गो।
जब तुम याद आते हो, साया बन के आहट बन के आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी मुझसे कहा था तुमसे प्यार है, कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ बेवफा, क्या हुआ। कभी तो तुमको याद आएगी। बहुत अच्छा चैंपियन, जबरदस्त यार। आओ भाई जल्दी से, बारी है बब्बन की टीम यानी यूट्यूबर्स की। बब्बन क्या सुना रहे हो आज? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, बाल हिला के इस तरह, कुछ इस तरह। गो गाइस। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह। टीम खास तौर पे लकी के आज के तीन पॉइंट्स का हकदार कौन है, उससे पहले लकी की शानदार आवाज में हमें और महसूस होता है। हम उन पे बेरुखी का इल्जाम क्यों लगाए, वो उनके जफा का है, हम क्यों बुरा मना, जो चाहे अब करे वो, दिल पे सितम हमारे कुछ लो, रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लो। क्या बात है, बहुत सारी तालियां होंगी लकी के लिए और मेरी टीम के लिए भाई, जबरदस्त जी। लकी बताइएगा कि आज तीन पॉइंट्स का हकदार इनमें से कौन है? आज जैसे कि दानिश भाई, सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन हमारे जैसे कि टिकटॉकर्स में से आज सिर्फ कश्यप ने अच्छा गाया जी, बाकी ओवरऑल ये लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके एज अ टीम। बाकी शाहताज ने आज यानी कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छा गाया, लेकिन अंतरे में थोड़ा सा ये आउट हो गया, एक जो पार्ट था जो ऊपर का नोट था वो उन्होंने गलत दिया था जी। बाकी अच्छा गा रही थी आज, लेकिन कश्यप ने फिर भी इनसे बेहतर गाया था जी, बिल्कुल सही। और बाकी जो दो टीम्स हैं जो आज मुकाबले पर हैं जी, लेकिन उनमें से जारी बात है कोई एक ही जीतेगा, एक ही जीतेगा। तो हमारे जो चैंपियंस हैं इन्होंने बिल्कुल कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज, सुर में गाया जनाब, बिल्कुल सुर में भी गाया दोनों ने बहुत अच्छा तरीके से, जबकि उमेर के हिसाब से ये सुर जो था काफी नीचे पड़ रहा था, लेकिन उसने बहुत अच्छा निभाया। नो डाउट अबाउट इट। बाकी हमारे हमारे इंस्टाग्रामर्स की तरफ से आज हमारे
अब्दुल बासित और माहीन ने जैसे परफॉर्मेंस दी उस हिसाब से माहीन का थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा मुझे आ रही थी, मैंने माइक दूर करके गाती है, थोड़ा माइक दूर करके गाती है जी, थोड़ा नर्वस होती है शायद ये, शायद नर्वस होती है हाँ, कि इनकी आवाज़ ज़्यादा ना आए शायद यहाँ से, इसलिए ये थोड़ा सा। अच्छा ये होता है क्या? जी ना, ऐसा होता हुआ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा बाकी अब्दुल बासित ने अच्छा गा रहे थे, लेकिन ये आज अगर टेम्पो से अगर लूज नहीं करते तो आज दोनों की परफॉर्मेंस जितनी तकरीबन बराबर हो जाती, बराबर हो जाती, लेकिन उस चीज़ का फायदा जो है वो चैंपियंस पूरा उठा। बिल्कुल सही है, तो 3 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ, 1 पॉइंट की हकदार इंस्टाग्रामर्स है, 3 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ, 1 पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ, मिलके हो जाएगा। देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।